ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी की ओर से देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। आप प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीएम आवास घेराव के दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग की सहायता से आवास से पहले ही रोक दिया। आप प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून है। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले। इसके साथ ही किसान संगठन की ओर से 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का आप पार्टी समर्थन करती है। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में किसानों के साथ में भाजपा सरकार कहीं भी है, चाहे सेंटर में चाहे किसी स्टेट में है, उनके लिए ये ठीक नहीं कर रही, उनको रोकने का काम कर रही है। मैं ये कहता हूँ, ये भाजपा की जो नीति है, जवान और किसान को आमने सामने खड़ा करा है, ये उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस दिन किसान के बच्चे ही बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करने में वो है, कहीं भी आप देख लो अंबानी और अडानी के बच्चे नहीं है इस काम में। गुजरात के रेशो उठा के देख लो, 1% भी देश की सेवा करने में नहीं होंगे, आर्मी में नहीं होंगे, उत्तराखंड के आबादी के आधार पे आप देखो सबसे आगे। ये चीजें गलत है और इन चीजों के लिए हम मुख्यमंत्री जी को बताने आए हैं। जिस तरीके से जहाँ से लोग किसान का समर्थन करने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको उनके साथ पीड़ा करी जाती है, उनको रोका जाता है, ये गलत है। मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, इन चीजों को सुधारो, नहीं तो आने वाला समय आपका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को प्रदेश के लिए हताशा व निराशाजनक बताया। प्रीतम सिंह ने कल राजीव भवन से हमला करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल करना चाहते हैं कि जब वह अध्यक्ष बनने से पूर्व उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब यह सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन आज सरकार को 4 साल होने वाले हैं, परंतु रोजगार देने के बजाय यहाँ के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया गया है और बीजेपी के लोग खुद ही अपनी पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संनिर्माण कर्मकार बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला होने की बात खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं। यदि सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कहती है तो वह कर्मकार बोर्ड की CBI जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है। वहीं बीजेपी की आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करने के दावे को भी प्रीतम सिंह ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इस दमनकारी भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है और 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। देश के किसान, उन्होंने जो देश का अन्नदाता है, उन्होंने 8 तारीख को जो है भारत बंद का आह्वान किया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने और तमाम अन्य राजनीतिक दलों ने किसानों के इस बंद को समर्थन देने का काम किया है। 2022 में सूबे के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पार्टी ने अपने अध्यक्ष भव्य स्वागत किया, ऐतिहासिक स्वागत किया, उसे कुछ नहीं आता। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज देश का अन्नदाता, देखिए सुनिए, अगर परिस्थितियाँ सामान्य होती तो हमें कोई गुरेज नहीं था। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, खुले आसमान में इस सर्द मौसम में जो है जंग लड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है भव्य स्वागत, राजशाही स्वागत हो रहा है। देहरादून से श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड प्रवास सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कल मीडिया से रूबरू होकर बताया कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात साझा करने का अवसर मिला है, इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह व भरपूर जोश दिखाई दिया है। बंशीधर भगत ने बताया
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला पंचायत से लेकर बूथ अध्यक्ष स्तर के साथ भी बैठक ली है। बंशीधर भगत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ यहां के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं और आगामी 26 दिसंबर तक का वक्त दिया है, जिसमें पार्टी की कोर कमेटी को जवाब देना है और संगठन के लोग अपने लीडर के निर्देशों पर 100% खरा उतरने का काम करेंगे। वहीं जब मीडिया ने बंशीधर भगत से मंत्रिमंडल के विस्तार पर सवाल दागे तो प्रदेश अध्यक्ष भगत पत्रकारों को गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। वही कांग्रेस द्वारा भारत बंदी के सवाल पर बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई काम ही नहीं रह गया है। वहीं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम समय में विदाई लेने से पूर्व पार्टी के कोर कमेटी के साथ मेल मिलाप कर रहे थे, तो उस समय मौजूदा सरकार के कई कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य जैसे दिग्गज नेता कोर कमेटी से नदारद दिखाई दिए। अब इनके नदारद होने के पीछे का सच क्या है, ये तो पार्टी के प्रवक्ता ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अंतिम विदाई के समय सरकार के स्तंभों के अचानक गायब होने से पार्टी और संगठन पर सवाल उठना तो लाजमी है। नड्डा जी, अगर मीडिया से सामने रूबरू क्यों नहीं, वजह क्या थी? उनका प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने हूँ, उन्होंने कहा कि मेरी बात आप जाके बता दो। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी पदाधिकारी किसी प्रकार से कोई असंतुष्ट नहीं था। ये बात तो एक जनरल बात है कि सबको मिलके काम करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ अपने संगठन में सबको मिलके काम करना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मिलके काम नहीं कर रहे, ये तो एक कहा था। हर मंत्री को अपने अपने जिले में जाना है, मतलब जिले मतलब जहां गांव उनको प्रभारी बनाया है, वहां जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है और एक सरकार की ओर से एक फिल्म किए गए कामों पर बनी है उसको प्रदर्शित करना है और फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वहां रात्रि विश्राम करना है। 10-20 लोगों से अलग से बात करनी है, फीडबैक लेना है और भोजन। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने 4 दिवसीय प्रवास पर जेपी नड्डा देवभूमि के दौरे पर थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूर्व से तय अनेकों कार्यक्रमों के बाद भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश रावत ने अपने कैंट विधानसभा आने पर वेलकम किया। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रावत ने बताया कि उन्हें मालूम पड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई भी इंदिरा नगर में रहते हैं। अध्यक्ष अपने व्यस्तम समय के बाद भी रिश्ते में भाई डीपी शर्मा के घर पर गए और वहां के परिवार व बच्चों के साथ कुछ पल भी बिताए। वहीं अध्यक्ष नड्डा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।